वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा ब्लॉग। तो आज मैं फिर से एक और नई रेसिपी के साथ आई हूँ और ये बहुत ही रिक्वेस्टेड रेसिपी है। इसका नाम है पनीर भुर्जी। पनीर भुर्जी वैसे तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन आज मैं अपने तरीके से बनाने जा रही हूँ। गाइस, बहुत ही ज़्यादा वेरिएशंस है इसकी, इसको बनाने के लिए, और जितनी भी तरीके से बनाए ये बहुत ही डिलीशियस बनती है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए गाइस, इसमें मैंने क्या क्या ऐड किया है तो देखिए। सबसे पहले मैंने ऐड किया है बारीक कटिंग किए हुए टमाटर, बारीक कटिंग किया हुआ प्याज, कसूरी मेथी, बारीक कटिंग की हुई हरी मिर्च, हरा धनिया और पनीर के टुकड़े जो मैंने बारीक कटिंग कर दिए हैं। और मसाले के लिए मैंने ऐड किया है 2 तेज पत्ते, थोड़ी सी 1 शिमला मिर्च और लहसुन, अदरक और ज़ीरा। और फिर ये मैंने पनीर लिया है और पनीर को अच्छे से क्रश कर दिया है। पनीर कम से कम मैंने लिया है 200 ग्राम। चलिए गाइस, हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, मैंने ये बड़ी सी कढ़ाई ली है और कढ़ाई में मैं ऐड करूँगी सबसे पहले बटर। अगर बटर नहीं है आपके पास तो आप घी भी यूज़ कर सकते हो। इसको अच्छे से एक बार गलने देंगे, मेट होने देंगे। अब हम इसमें जीरे का तड़का लगाएंगे। 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है। जीरे को अच्छे से फ्राई करेंगे। ये 2 तेज पत्ते जो मैंने तड़के के लिए लिए हैं। उसके बाद लहसुन जो मैंने बारीक पीस दिए है, और फिर ये अदरक, थोड़ा सा टुकड़ा अदरक डाल दिया मैंने जो बारीक पीस दिया है। अब इसमें ऐड करूंगी मैं हरी मिर्ची। 2 हरी मिर्ची ली थी। और उसके बाद 1 कटोरी प्याज, 2 3-4 मैंने प्याज लिया है। इसको भी अच्छे से फ्राई होने देंगे जब तक ये डार्क ब्राउन ना हो जाए। इसके बाद हम ऐड करेंगे मसाले। 1 चम्मच मैंने लिए है लाल चिली पाउडर। उसके बाद 1/2 चम्मच लिया है हल्दी, फिर 1/2 चम्मच नमक, करेंगे ये सूखा धनिया 1 चम्मच। अब अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। हम डालेंगे, देखिए गाइस, ये हमारे मसाले फ्राई हो चुके हैं। अब डालेंगे टमाटर, 3-4 मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटर को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे ये पनीर के टुकड़े जो मैंने बारीक कट कर दिए थे। मैं डाल रही हूँ ये कसूरी मेथी। कसूरी, देखिए गाइस, ये कसूरी मेथी डालने से पनीर भुर्जी में अच्छा फ्लेवर आता है और स्वादिष्ट रेसिपी बनती है। हो चुका है, अब इसमें ऐड करेंगे ये क्रश किया हुआ पनीर जो मैंने 200 ग्राम लिया है। अब इस तो देखिए गाइस, ये क्रश किया हुआ हमने पनीर ऐड कर दिया है और इसको 10 मिनट तक हमें पकाना है अच्छे से, ताकि सब मसाले मिक्स हो जाए। तो देखिए गाइस, अब हम इसमें ऐड करेंगे ये पनीर मसाला। 1 चम्मच हमने पनीर का मसाला लिया है। अब अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तो गाइस देखिए, ये हमारी रेसिपी बन चुकी है।
तो देखिए गाइज, ये हमारी पनीर भुर्जी रेसिपी रेडी हो चुकी है। देखिए कैसे मार्केट जैसी बनी है। तो गाइज, हम घर पर भी मार्केट जैसी रेसिपी बना सकते हैं। आप भी ट्राई करना और कृष्णा ब्लॉग को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। अब इसके ऊपर हम डालेंगे ये हरा धनिया।